पिछले कुछ सालों से लोग शेयर बाजार को लेकर खुले हैं, मतलब वे अब शेयर बाजार में ज्यादा निवेश करने लगे हैं। लोग फिनेंस को लेकर जागरूक हुए हैं, लेकिन इस जागरूकता का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर फिन इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। ये सारे डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट करने में लगे हैं। क्या है ये डब्बा ट्रेडिंग, पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म ट्रेड एक्स ने पिछले कुछ हफ्तों से खुलकर अपना प्रचार एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया है और ये प्लेटफॉर्म फॉरेक्स और यूएस में लिस्टेड स्टॉक्स में डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। डब्बा ट्रेडिंग क्या है? तो डब्बा ट्रेडिंग देश में गैर कानूनी है और भारत में डब्बा ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं है। सेबी की वेबसाइट पर ये साफ तौर पे बताया गया है कि डब्बा ट्रेडिंग गैर कानूनी है और इस ट्रेड में अगर आप नुकसान उठाते हैं तो उसकी कहीं शिकायत नहीं की जा सकती, यानी आपको लॉस होगा, आपकी गाढ़ी कमाई पानी में जाएगी। इसके बावजूद फिन इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलेब्स इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। ट्रेडएक्स ने अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हाथ मिलाया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। ट्रेडएक्स ने ऐड के लिए फिन इन्फ्लुएंसर से भी बातचीत की है और इस प्लेटफॉर्म ने एक ट्वीट के लिए 15,000 रुपये और इंस्टाग्राम पर एक रील के लिए 20,000 रुपये तक का ऑफर दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। ट्विटर पर 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले यानी केशव अरोड़ा खुद एक ट्रेडर हैं और उन्होंने मनी कंट्रोल को ये बताया कि उन्हें एक ट्वीट के लिए 15,000 रुपये ऑफर किए गए और उन्हें एक महीने में 4 ट्वीट करने के लिए कहा गया। उनके दोस्त को एक महीने में 2 इंस्टा रील पोस्ट करने का भी ऑफर मिला है और ये रील के लिए 20,000 रुपये ऑफर कर रहे हैं सारे ही फिन इन्फ्लुएंसर्स को। इसमें कौन नाम आ रहा है? पीआर सुंदर का। पीआर सुंदर ने एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया है जिसका टाइटल है अब हर कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार कर सकता है। पीआर सुंदर ने भी इसका प्रमोशन किया है और उन्होंने टाइटल में लिखा CFD ब्रेकिंग गेम चेंजिंग है 6 अप्रैल को। ट्रेडएक्स उनके यूट्यूब चैनल का सह प्रायोजक है। नवाजुद्दीन की बात करें तो जब इस मामले में नवाजुद्दीन की टीम से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं सिद्दीकी वाला एड सितंबर 2023 में ट्रेडएक्स के यूट्यूब चैनल पर आया था और ये अभी ट्रेडएक्स के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगातार दिख रहा है। जून 2022 में केंद्र सरकार ने भ्रमित और गलत जानकारी देने वाले एडवर्टीजमेंट्स पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था और अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। और इसमें कहा गया था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी यानी CCPA भ्रमित करने वाले किसी भी एडवर्टीजमेंट पर 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है और इस जुर्माने को 50,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी और इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तर।